इन द लास्ट क्लास वी स्टार्टिड द टॉपिक फोटोप्रियोडिज्म लास्ट क्लास में हमने फोटोप्रियोडिज्म में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स को जो फोटोप्रियोडिक्स उसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है शॉर्ट डे प्लांट लॉन्ग डे प्लांट डे न्यूट्रल प्लांट एंड अदर सब टाइप्स ऑल्सो वी स्टडीड इन दिस वीक विल कंटिन्यू दैट टॉपिक्स वट इज द प्लांट एक्चुअली मेजरिंग उसमें हमने देखा था कि जो शॉर्ट डे प्लांट है वो शॉर्ट डे कंडीशन के ड्यूरिंग फ्लावरिंग करेंगे लॉन्ग डे प्लांट लॉन्ग डे कंडीशन के ड्यूरिंग फ्लावरिंग करेंगे बट एक्चुअल में वो मेजर क्या कर रही है डे लाइट को मेजर कर रहे हैं या नाइट की लेंथ को मेजर कर रहे हैं दिस इज द कंसेप्ट 1940 में इसको आया, डिस्कवर किया गया था कि फोटोप्रियोडिज्म हैज नथिंग टू विद द डे लाइट जो हम शॉर्ट डे या लॉन्ग डे प्लांट बोल रहे हैं उनका डे लाइट से कोई कनेक्शन नहीं है उनका जो एक्चुअल कनेक्शन है वो होती है उनकी क्रिटिकल नाइट लेंथ कि उसके अंदर जो नाइट पीरियड है वो कितना है जो नाइट्स है वो शॉर्ट है या जो नाइट्स हैं वो लेंथी हैं तो इन्हीं के बेसिस पे दीज फाइंडिंग इनिशियली रिपोर्टेड फ्रॉम द इसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो डिस्कवर करने के लिए फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट किए गए थे वो कॉकलेबर प्लांट्स पे किए गए थे उस प्लांट्स में क्या था कि उसकी जो नाइट लेंथ थी वो एट आवर्स थी क्रिटिकल नाइट लेंथ मींस उतनी नाइट लेंथ उसको चाहिए ही चाहिए अगर उतनी डार्कनेस नहीं मिलेगी दैट प्लांट विल नॉट फ्लावर तो जितने उसको एट आवर्स की अगर कंटिन्यूअस डार्कनेस प्रोवाइड करते हैं तो दैट प्लांट विल फ्लावर ऑरिजिनलीट वाज कॉल्ड एज ए शॉर्ट डे प्लांट क्यों शॉर्ट डे कंडीशन थे उसमें फ्लावरिंग कर रहा था बट ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्ड एज लॉन्ग नाइट प्लांट इसमें तो वो इसको अफेक्ट कर रहा है कंटिन्यूस डार्क पीरियड है अगर इसको हम थोड़ा सा भी विद इन फ्यू अकेंड्स या फ्यू मिनट्स जो है उसके भी अगर हम इसको लाइट प्रोवाइड करते हैं इस आवर के डार्क पीरियड में अगर कुछ मिनट्स के के लिए कुछ seconds के लिए कुछ भी लाइट प्रोवाइड करते हैं तो देन दिस प्लांट विल नॉट फ्लावर तो इट मीन्स क्या है उसमें जो क्रिटिकल पीरियड है वो डे पीरियड ना होकर क्या नाइट लेंथ क्रिटिकल है तो इट मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेरिमेंट प्लांट किसको मेजर करते हैं नाइट लेंथ को या डार्कनेस को मेजर करते हैं यहां पे जैसे दिखाया हुआ है इसमें लाइट कांस्टेंट और डार्क पीरियड डार्क लाइट पीरियड वही है सिक्सटीन आवर्स का कांस्टेंट है और डार्कनेस जो वेरी कर रही है इसमें सिक्सटीन आवर्स का लाइट लाइट पीरियड है फाइव आवर्स की डार्कनेस है नो फ्लावरिंग सिक्स आवर में नो फ्लावरिंग सेवन आवर्स में नो फ्लावरिंग वेन वी प्रोवाइड एट आवर्स और मोर देन एट आवर्स डार्कनेस द प्लांट विल फ्लावर लाइट पीरियड तो वही सिक्सटीन आवर्स की है अगर लाइट पीरियड वही है और प्लांट वे फ्लावरिंग कर रहा है वेरी करने से डार्क पीरियड तो क्या इसमें इंपॉर्टेंट हुआ क्या मेजर कर रहा है प्लांट एक्चुअली लाइट से उसका कोई मतलब नहीं है 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 वो किसको मेजर मेजर कर कर रहा है? इस कर रहा डार्क पीरियड को और उसी के अकॉर्डिंग वो फ्लावरिंग कर रहा है ये एक्सपेरिमेंट इसी के बेसिस पे यही एक्सपेरिमेंट दूसरा किया गया था जिसमें जो डार्कनेस है उसको फिक्स रखा गया जैसे एक क्रिटिकल पीरियड एट है तो एट आवर से जितनी भी ज्यादा लाइट हम उसको प्रोवाइड करेंगे देन प्लांट विल फ्लावर तो अगर इसमें हम जो लाइट पीरियड है उसको रिड्यूस कर रहे हैं एक में सेवन आवर किया नाइन आवर किया ट्वेल्व आवर्स किया बट प्लांट विल फ्लावर इफ द डार्क पीरियड इज नाइन आवर्स क्यों क्योंकि उसकी जो क्रिटिकल नाइट लेंथ है वो कितनी है एट आवर्स है तो उससे ज्यादा अगर हम इसको नाइट लेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं देन दिस प्लांट विल फ्लावर अगर हम यही वेरिएशन रखते हैं डे लेंथ कोई भी हो नाइट पीरियड अगर हम उससे क्रिटिकल नाइट लेंथ से कम प्रोवाइड कर रहे हैं मींस एट आवर्स है इस प्लांट के लिए और सेवन आवर्स प्रोवाइड कर रहे हैं देन प्लांट विल नॉट फ्लावर तो दीज एक्सपेरिमेंट्स प्रूव दैट प्लांट विल मेजर द नाइट लेंथ नोट द डे लेंथ सिमिलरली जैसे उसमें लास्ट पॉइंट था लास्ट स्लाइड में कि अगर जो डार्क पीरियड है उसको कुछ सेकंड्स के लिए भी उस डार्क पीरियड को हम इंटरप्ट कर देते हैं फ्लैश ऑफ लाइट तो उसकी वजह से भी क्या है देन प्लांट विल नोट फ्लावर बिकॉज दैट ब्रेक द कंटिन्यूस डार्कनेस उसके लिए जो डार्क पीरियड है वो कंटिन्यूअस चाहिए उसके अंदर इंटरमीडिएंट नहीं होना चाहिए लाइट की वजह से तो एक्चुअली द प्लांट मेजर द लेंथ ऑफ डार्क पीरियड ये एक्सपेरिमेंट हैमर एंड बॉनर ने किया था इन 1938 जिसके बेसिस पे उसने कंक्लूजन दिया था कि जो फोटोपीरियोडिक प्लांट है दैट मेजर द लेंथ ऑफ नाइट नोट द डे इंटरप्टिंग ए लॉन्ग नाइट प्लांट विद ए ब्रीफ पीरियड ऑफ लाइट इनहिबिट्स द फ्लावरिंग लॉन्ग नाइट प्लांट मींस शॉर्ट डे जो प्लांट है अगर उसके अंदर जो नाइट है उसको हम लाइट प्रोवाइड कर देते हैं तो वो फ्लावरिंग नहीं करेगा लॉन्ग डे प्लांट फ्लावर वेन नाइट इज शॉर्ट बट इंटरप्टिंग देयर लॉन्ग डे हैज नो एफेक्ट मीन्स जो डे है उसको हम इंटरप्ट कर रहे हैं डार्कनेस से उससे कोई effect, कोई इफेक्ट नहीं हो रहा लॉन्ग डे प्लांट पे क्यों क्योंकि प्लांट एक्चुअली चाहे लॉन्ग डे हो चाहे शॉर्ट डे हो मेजर किसको कर रहा है इस डार्क पीरियड को मेजर कर रहा है सेम वही है जो लॉन्ग डे प्लांट आर एक्चुअली शॉर्ट नाइट प्लांट वो अपना जो क्रिटिकल लेंथ है नाइट की उसको मेजर करते हैं कि जो क्रिटिकल लेंथ है उससे कम होनी चाहिए नाइट और लॉन्ग डे शॉर्ट डे प्लांट्स में क्या है या शॉर्ट uh, नाइट लॉन्ग डे प्लांट्स में उस मींस उनमें नाइट जो पीरियड है वो शॉर्ट होगा लॉन्ग डे प्लांट में जो लॉन्ग डे प्लांट है उनमें नाइट शॉर्ट होंगी और डे लॉन्ग होंगे तो वो क्या करेंगे कि उनकी जो नाइट पीरियड है वो कब फ्लावरिंग करेंगे जो नाइट पीरियड है वो जो क्रिटिकल नाइट लेंथ है उससे कम होना चाहिए अब ये देखो जहां पे ये जो क्रिटिकल नाइट लेंथ ये है इससे अगर कम है इसका नाइट पीरियड तो ये फ्लावरिंग कर रहे हैं ज्यादा है तो फ्लावरिंग नहीं कर रहे और ये ज्यादा है बट इसको डार्क पीरियड जो है उसको इंटरमीडिएट कर दिया विद फ्लैश ऑफ लाइट तो भी ये फ्लावरिंग करेंगे क्योंकि जो कंटिन्यूटी है वो डार्क पीरियड की वो ब्रेक डाउन होगी दैट्स वाई लॉन्ग डे प्लांट फ्लावर अब हम जो आ, उसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे फाइटोक्रोम की जो भी आ, आ, प्रोटीन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये फ्लावरिंग जो शॉर्ट डे या लॉन्ग डे प्लांट्स में जो फ्लावरिंग को मेंटेन कर रहा है या फ्लावरिंग को कंट्रोल कर रहा है रेगुलेशन किस वजह से हो रहा है दैट इज रेगुलेटेड बाय द पिगमेंट फाइटोक्रोम फाइटोक्रोम इज ए होमोडाइमर होमोडाइमर मीन्स दो यूनिट से बना हुआ है दोनों यूनिट सेम है टू आइडेंटिकल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स टेड ए लाइट एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल हर एक में क्या है? एक एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल होता है जो कि सेंस करता है लाइट को एब्जॉर्ब करता है प्लांटोक्रोम पांच फाइटोक्रोम ए बी सी डी एंड ई दीज आर रिडेंडेंसी इन फंक्शन ऑफ डिफरेंट जो फाइटोक्रोम्स है इनके फंक्शन वो मेन फंक्शन एक है ब्लू लाइट को एब्सॉर्व करते हैं बट देर आर समर फंक्शन ऑल्सो जो कि एक दूसरे से डिफर करते हैं वो किस वजह से क्योंकि इनका जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा वो अलग है जैसे फाइटोक्रोम ए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा अलग है बी का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा अलग है मींस कुछ फाइटोक्रोम क्या है रेड लाइट को एब्जॉर्व करते हैं और कुछ फार रेड लाइट को बेस्ट एब्जॉर्व करते हैं उसके बाद दिज फाइटोक्रोम एग्जिस्ट इन टू इंटरकन्वर्टेबल फॉर्म जो फाइटोक्रोम है इसकी दो फॉर्म्स प्रेजेंट होती हैं वन इज पीआर फॉर्म

एफ आर में ये इंटर कन्वर्टेबल है दोनों पी आर पी एफ आर में कन्वर्ट हो सकता है और पी एफ आर पी आर में कन्वर्ट हो सकता है जो पी एफ आर वो फार रेड लाइट को absorb करेगा एंड कैन कन्वर्टेड जो PFR है वो बिना फार रेड लाइट मीन्स जो नाइट पीरियड होता है उसमें भी कंटिन्यूसली कन्वर्ट होता रहता है पी आर में जब भी रात होती है तो उस टाइम पे जो पी एफ आर फॉर्म है दैट इज कन्वर्टेड बैक इन टू पी आर बट एट ए स्लो रेट

जो शॉर्ट डे प्लांट है दैट एक्सपीरियंस इज ए लॉन्ग नाइट विल नॉट फ्लावर इफ एक्सपोज टू जैसे शॉर्ट डे प्लांट है शॉर्ट डे प्लांट, 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 प्लांट कब फ्लावरिंग करेंगे शॉर्ट डे प्लांट फ्लावरिंग करेंगे जब जो इनकी क्रिटिकल नाइट लेंथ है वो ज्यादा होगी मैक्सिमम तो जो शॉर्ट डे प्लांट है वो कब करेंगे जब उनके जो क्रिटिकल नाइट पीरियड है वो उससे क्रिटिकल नाइट पीरियड क्रिटिकल जो नाइट पीरियड उससे ज्यादा होगा या फिर उसके इक्वल होगा तो जैसे ये है इसमें क्रिटिकल नाइट लेंथ कम है उससे तो जो शॉर्ट डे प्लांट है वो फ्लावरिंग नहीं करेंगे बट जो लॉन्ग डे प्लांट है वो फ्लावरिंग करेंगे क्योंकि उसकी जो क्रिटिकल नाइट लेंथ है वो कम है जो क्रिटिकल नाइट लेंथ से कम है उसकी नाइट लेंथ अगर ज्यादा है तो जो लॉन्ग डे प्लांट है वो फ्लावरिंग नहीं करेंगे बट जो शॉर्ट डे प्लांट है वो फ्लावरिंग करेंगे क्योंकि इनको तो क्या लंबी नाइट चाहिए लॉन्ग नाइट चाहिए अगर जो नाइट पीरियड है इसी को फ्लक्चुएट कर देंगे किसी भी रेड लाइट के उससे फ्लक्चुएशन से तो ये क्या है फ्लावरिंग जो शॉर्ट डे प्लांट है वो नहीं करेंगे क्योंकि उनका जो ड्यूरिंग वेन द नाइट पीरियड इज इंटरप्टेड बाय द फ्लैश ऑफ रेड लाइट देन also the short day plants will not flower because long night are continuous because they need the continuous dark period for their flowering but the short night or long day plant will flower similarly if the red flash of light is fo followed by the far red light then the short day plant will flower but the long night plant will not flower कितना ही भी हम जो रेड लाइट के फ्लैशेस दें अगर उसके हरेक फ्लैशेस के बाद अगर फार रेड लाइट का जो लास्ट जो फ्लैश है वो फार रेड लाइट का होगा तो देन द शॉर्ट डे प्लांट विल फ्लावर बट द लॉन्ग डे प्लांट विल नॉट फ्लावर ये किसकी वजह से होगा क्योंकि जो पीआर और जो पीएफआर फॉर्म है वो इंटरकन्वर्ट हो रही है और जो लॉन्ग डे प्लांट और शॉर्ट डे प्लांट है उनमें पी आर और पी एफ आर अलग अलग, अलग रेशो होता है जिससे वो फ्लावरिंग करते हैं इनको हम नेक्स्ट स्लाइड जो आएंगे उसके अंदर स्टडी करेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है ये जो पी एफ आर हो रहा है जब लास्ट फ्लैश पी एफ आर का है तो शॉर्ट डे प्लांट है वो फ्लावरिंग कर रहे हैं और अगर रेड लाइट है तो देन द लॉन्ग डे प्लांट विल फ्लावर वाई विल दिस बिकॉज प्लांट मेजर द रेशो ऑफ पी एफ आर टू पी आर जो पी एफ आर और पी आर का रेशो उसको मेजर करते हैं लॉन्ग डे प्लांट वुड फ्लावर द वेनो इज हाई लॉन्ग डे प्लांट का फ्लावरिंग करेंगे जब जो रेशो है वो लो होगा इट मीन क्या पी एफ आर क्या है कम होगा तो अब यहाँ पे देखो इसमें क्या है अगर लास्ट जो फ्लैश है पी एफ आर का है तो इट मीन्स क्या है फॉर रेड लाइट का वो होगा तो वो किसको पी एफ आर को किसमें कन्वर्ट कर देगा पी आर में तो यहाँ पे जो पी एफ आर की है वो कम हो जाएगी और पीएफआर की कम होगी तब कौन से प्लांट प्लांट फ्लावरिंग करते हैं डे और अगर लास्ट जो फ्लैश है है वो रेड लाइट का है, तो रेड लाइट क्या करती है जो पी आर फॉर्म है उसको पीएफआर फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है तो यहाँ पे रेड लाइट का फ्लैश है तो इस वजह से जो पी एफ आर की कंसेंट्रेशन है वो ज्यादा होगी और जब पी एफ आर की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है तो उस टाइम कौन से प्लांट फ्लावरिंग करते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स तो जो पीएफआर है वो अपने आप भी चेंज हो जाता है जो नाइट नाइट पीरियड होता है उस टाइम भी वो चेंज हो जाता है पीआर फॉर्म में तो, तो दैट्स वाई लोंगर द नाइट जितनी लंबी नाइट होंगी तो लोवर द फाइटोक्रोम कंटेंट जितनी लंबी रातें होंगी उतना क्या है फाइटोक्रोम कंटेंट कम होगा और फाइटोक्रोम कंटेंट कम होगा तो क्या है जो शॉर्ट डे प्लांट है वो फ्लावरिंग करेंगे दैट्स वाई शॉर्ट डे प्लांट फ्लावरिंग ड्यूरिंग द लोंगर नाइट एंड शोर्टर डे द रिलेटिव अमाउंट ऑफ पी एफ आर रिमेनिंग एट द एंड ऑफ नाइट वुड बी द इंडिकेशन ऑफ डे लेंथ की नाइट के बाद कितनी पी एफ आर की कंसेंट्रेशन है वही क्या है, किसका इंडिकेशन होगा डे लेंथ का इंडिकेशन होगा कि अगर पी एफ आर की कंसेंट्रेशन ज्यादा बची हुई है नाइट के एंड पे तो इस मीन्स क्या है जो डे लेंथ है वो लॉन्ग होगी पी एफ आर की कंसेंट्रेशन कम है तो इट मीन्स क्या डे लेंथ क्या है वो शॉर्ट होगी अब जो ये पी एफ आर और पी आर कन्वर्जन है वो फ्लावरिंग में शोर डे प्लांट में फ्लावरिंग के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि जो डे लाइट है ड्यूरिंग द डे लाइट जो फाइटोक्रोम पी आर कन्वर्टेड इन टू दी एफ आर फॉर्म कन्वर्जन इज एक्चुअली जो एक शॉर्ट फ्लैश होगा रेड लाइट का वो भी इसको कन्वर्ट कर देगा पी एफ आर फॉर्म में बट डार्क पीरियड के ड्यूरिंग क्या होगा जो पी एफ आर है दैट इज स्लोली कन्वर्टेड बैक इंटू दी आर तो लॉन्ग नाइट मीन्स मोर द कन्वर्जन ऑफ पी एफ आर इंटू पी आर एंड लेस इज द concentration ऑफ PFR, so short सो plant डे प्लांट विल फ्लावर PFR लोअर पी की कंसेंट्रेशन होगी और वही क्या है ट्रीगर है फ्लावरिंग के लिए इन शोर्ट डे प्लांट इसके अपोजिट होगा लॉन्ग डे प्लांट में ये शोर्ट डे प्लांट का है जो पी एफ आर है वो नाइट में पी आर में कन्वर्ट हो जाता है पी आर की वजह से शॉर्ट डे जो प्लांट है वो फ्लावर्स करेंगे ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ द फ्लोरिजिन ंग दीरियड वेन लॉन्ग बट क्रिटिकलीड इज शॉर्ट जब डार्क पीरियड शॉर्ट होगा लॉन्ग डे प्लांट में तो उस टाइम क्या होगा जो पी एफ आर है दस नॉट है लॉन्ग पीरियड टू ब्रेक डाउन इन टू द डार्क अगर कम पीरियड टाइम पीरियड है तो इसके मतलब क्या होगा जो पी एफ आर है वो कम अमाउंट उसकी कन्वर्ट होगी पी आर में तो इट मींस जो कंसेंट्रेशन है पी एफ आर की वो लॉन्ग डे कंडीशन की ड्यूरिंग क्या है ज्यादा होगी बिकॉज नाइट आर शॉर्ट सो पी एफ आर कंसेंट्रेशन इज मोर एंड मोर पी एफ आर कंसेंट्रेशन इज द ट्रिगर फॉर फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स so long day plant needs low pf uh, low pr or high pfr to blooms in long day plant pr uh, during the long day pr get converted into the during the sunlight or red light pfr is builds up during the long uh, during long day condition pr p r is get back less amount of pfr is converted into pr and more pfr present fluorigen is activated and flowering in the long day plants. When uh, do, uh, during daylight PR is get uh, PFR is uh, get PR is get converted into PFR and resulting in the flowering in the long day plant. During night PFR is get

टाइम फॉर स्पेसिफिक एक्सपोजर टू लाइट विद इन डेड इट फोटो इंडक्टिव साइकिल क्या होगा फोटो इंडक ऑफ साइकिल में वेरी वन और टू और मोर डिपेंडे अपॉन द प्लांट स्पीसीज जो फोटो इंडक्टिव साइकिल्स है वो वेरी करेंगे हर एक प्लांट के लिए जैसे सपोज करो किसी प्लांट के लिए वन है किसी के लिए टू है किसी के लिए मोर देन टू या अदर नंबर है तो क्या करेगा प्लांट टू प्लांट जो है वो वेरी करती हैं, बट एक जो इंडक्टिव साइकिल है वो क्या होगी ट्वेंटी फोर आवर्स मिला तो कितना टाइम जो परसेप्शन है लाइट साइट ऑफ परसेप्शन फॉर द फोटोप्रियोडिक सिग्नल इज लीफ लीफ परसेप्ट करती है उस फोटोप्रियोडिक सिग्नल को जो लाइट को लीफ रिसीव करती है देन इट इज ट्रांसपोर्टेड टू द

है जो ट्रांसपोर्टेड हो रहा है तो डिफरेंट ग्राफ्टिंग स्टडीज के थ्रू इसको स्टडी किया गया है कि जो ट्रांसपोर्टेड होते हैं हो और उसका जो परसेप्शन साइट है वो लीफ है लीफ इज द साइट ऑफ परसेप्शन फॉर द फोटोप्रियोडिक सिग्नल चाहे वो लॉन्ग डे प्लांट है चाहे वो शॉर्ट डे प्लांट है दोनों में ही परसेप्शन ऑफ फोटोप्रियोडिक सिग्नल लीफ के थ्रू ही होगा लीफ इस सिग्नल को फिर ट्रांसमिट करती है टू द द फ्लोवरिंग फ्लोवरिंग एट शूट शूट अपेक्स जो उसमें कन्वर्ट होगी उसको ये ट्रांसमिट करेगी सिग्नल फोटोप्रियोडिक रेगुलेट प्रोसेस दैट अकर्स इन द लीव रिजल्टिंग इन ट्रांसमिशन ऑफ द फ्लोरल स्टिमुलस टू द शूट अपेक्स आर कोलेक्टिवली फोटोपीरियोड है फोटोप्रियोडिक इवेंट्स है वो रेगुलेट करेंगे इस प्रोसेस को कि जो लीव में फोटो फोटोपीरियडिक सिग्नल है वो ट्रांसमिट ऑफ फ्लोरल स्टिमुलस को एंड दैट इज फोटोपीरियडिक इंडक्शन इसको प्रूव किया गया है वेरियस ग्राफ्टिंग स्टडीज में जिसमें क्या है कि जो इंड्यूस्ड लीफ है वो सोर्स से मोबाइल फ्लोरल स्टिमुलस को और उसको ट्रांसपोर्ट किया गया था डिफरेंट शूट एपिकल मेरिस्टेम पे फ्लोरल स्टिमुलस इज ट्रांसपोर्टेड इन द फ्लोएम

जो स्टिमुलस है वो वेरियस बायोकेमिकल एंड साइटोलॉजिकल चेंजेस करेगा उस मैरिस्टाइम में एंड इट इज ट्रांसपोर्टेड टू द फ्लोरल बर्ड और ये किसको फ्लोरल बर्ड में कन्वर्ट करेगा फ्लोरल बर्ड में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा तो दैट इज फ्लोरल इवोकेशन जो कि ट्रांसफर होगा फ्लोरल स्टिमुलस लीव से लेके और एपिकल मेरिस्टाइम और वहां पे जो चेंजेस करेगा जिससे कि वो कमिटमेंट हो जाती है वो मैरिस्टाइम टू कन्वर्ट गेट कन्वर्टेड इन टू द फ्लोरल बर्ड इनको जो ट्रांसपोर्ट है उसको चेक किया गया है वेरियस एक्सपेरिमेंट से ग्रिडलिंग एक्सपेरिमेंट है या फिर फ्लोएम ब्लॉक ट्रांसलोकेशन है उनके थ्रू दैट फ्लो सिग्नल इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द फ्लोएम नाउ व्हाट स्टिमुलस इज ट्रांसपोर्टेड मीन्स जो स्टिमुलस है लीव से फ्लोएम के थ्रू जो शूट अपेक्स को ट्रांसपोर्ट हो रहा है वट इज दैट किस फॉर्म में है वो लिक्विड सॉलिड हार्मोन क्या फॉर्म है तो दैट

उट इंटर स्पेसिफिक मीन्स जो डिफरेंट प्लांट्स थे उनकी एक दूसरे के साथ ग्राफ्टिंग की गई लीवस की और उसी के थ्रू फिर इसको आइडेंटिफाई किया गया इस हार्मोन को ग्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ फ्लोरिज इन एक्जिस्टेंस उसके लिए फर्स्ट जो काम फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट किया गया था दैट वॉज डन ऑन द क्रंथीम बाय द चाल दैट इज अ शोर्ट डे प्लांट उसमें क्या किया गया कि जो अपर हाफ के जो लीव्स थे उनको रिमूव कर दिया गया बट जो लोअर हाफ के लीफ थे वो अनस्ड रहे वो उसी प्लांट प्लांट पे रहे, फिर उसने क्या किया? किया, जो लोअर हाफ लीफ थे, उन्होंने उसको शॉर्ट डे में एक्सपोज़र डिड नॉट फ्लावर, ऑन द बर्ड्स बट काज इज द लीव टू मैन्युफेक्चर ए हार्मोन दैट मूव फ्रॉम लीव टू द बर्ड एंड इंड्यूस फ्लावरिंग इट मीन क्या है कि जो बर्ड्स हैं उनको अगर हम कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं शॉर्ट डे या लॉन्ग डे और लीव्स को नहीं कर रहे तो वो फ्लावरिंग नहीं होगी फ्लावरिंग कब होगी जब जो भी कंडीशन रिक्वायर्ड है अगर शॉर्ट डे प्लांट है तो अगर हम लीव को शॉर्ट डे कंडीशन प्रोवाइड करेंगे तभी वो फ्लावरिंग होगी ना कि बर्ड को प्रोवाइड करेंगे तो दिस हाइपोथेटिकल हार्मोन नेम एज फ्लोरिजिन एंड इट हैज नेवर बीन आइसोलेटेड देर फॉर वी नाउट आक द फ्लोरिजिन कंसेप्ट इन स्टेड ऑफ फ्लोरिजिन हार्मोन क्यों ये कंसेप्ट है इमेजनरी हार्मोन है इसको अभी तक एक्सट्रेक्ट आउट नहीं किया गया आर नॉट टॉकिंग अबाउट द फ्लोरिजिन हारमोन बट वी आर टॉकिंग अबाउट द कंसेप्ट ऑफ फ्लोरिजिन हार्मोन फ्लोरिजिन कंसेप्ट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ जिबरलिन चाल मोडिफाइड हिस्स फ्लोजिन कंसेप्ट उसको identify, उसको मॉडिफाई किया गया स्टार्टिंग में उसने बोला था कि सिर्फ जो फ्लोरिजिन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बट Then he proposed that Fluorazine is a combination of two hormones rather than one. One hormone is gibberellic acid or gibberellins and second hormone is a hypothetical because gibberellin is isolated. Second the hypothetical hormone that is named as anthocyanins. Uh, so Fluorazine is made up of gibberlin and anthocyanins. Uh, then he suggested that long day plant could produce anthocyanin under any day length but जिबरलिन ओनली अंडर द लॉन्ग डे कंडीशन जो लॉन्ग डे प्लांट है वो एंथेसिन को किसी भी टाइम प्रोड्यूस कर सकते हैं बट वो फ्लावरिंग कब करेंगे जब उनके साथ जिबरलिक एसिड भी होगा और जिबरलिक एसिड को वो कब जब वो लॉन्ग डे कंडीशन में होंगे तभी प्रोड्यूस करेंगे ही also suggested that short day plant produce जो short day plant है वो जिबरलिन को किसी भी time synthesize कर सकते हैं but anthocyanin को only during the short day condition that's why short day plant फ्लावरिंग अंडर द शॉर्ट डे कंडीशन एंड लॉन्ग डे प्लांट अंडर द लॉन्ग डे कंडीशन क्योंकि जो दोनों हार्मोन्स हैं वो उनकी जो प्रॉपर कंडीशन है उसी टाइम प्रोड्यूस होंगी ही ऑल्सो जस्टेड दट डे न्यूट्रल प्लांट कूड प्रोड्यूस बोथ अंडर एनी डे लेंथ जो डे न्यूट्रल प्लांट है उन पर किसी भी डे लेंथ का इफेक्ट क्यों नहीं है क्योंकि वो दोनों हारमोन्स को किसी भी टाइम प्रोड्यूस कर सकते हैं दैट्स वाई दे कैन फ्लावर एट एनी डे लेंथ ए प्लांट कूड फ्लावर ओनली लिव बोथ जिबरलिक एसिड एंड जो दोनों प्रेजेंट होंगे तभी वो फ्लावरिंग कर सकते हैं बट अगेन एंथिसन इज जस्ट ए हाइपोथेटिकल एज फ्लोरिन तो ये भी एक कंसेप्ट है हाइपोथेटिकल हार्मोन है सो फ्लोरिजिन में भी मैक्रोमोलिक्यूल इट इज पॉसिबल दैट फ्लोरिजीन इज एन मे बी एन आर एन ए डीएनए प्रोटीन और दैट इज ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम लीव टू द एपिकल बट स्टिल इट इज नॉट फाउंड अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोप्रियोडम क्या सिग्निफिकेंस है photopriodism की? Photopriodism से पता चलता है कि कौन से प्लांट को कब फ्लावरिंग होनी है ठीक है शॉर्ट डे प्लांट डेवलप फ्लावर्स इन ऑटम स्प्रिंग क्योंकि उस टाइम कंडीशन क्या होती एंड लॉन्ग डे प्लांट कब फ्लावरिंग करेंगे समर में उस टाइम क्या है जो डे लेंथ है वो लॉन्ग होती है और जो नाइट्स है वो शॉर्ट होती हैं नॉलेज ऑफ फोटोप्रोडिक इफेक्ट इज यूजफुल इन कीपिंग सम प्लाट्स इन वेजिटेटिव ग्रोथ टू ऑप्टेन हाइर इल्ड ऑफ द ट्यूबर्स जैसे कुछ प्लांट्स हैं जिसके हमें फ्रूट्स नहीं मींस रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं यूज करते एडिबल पार्ट या जो यूजफुल पार्ट है वो उसका वेजिटेटिव पार्ट है दैट में बी ट्यूबर राइजोम्स और देयर स्टेम तो जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो क्या है मोस्टली एनर्जी को यूज करता है तो अगर हमें फोटोप्रियोडिक अगर हमें फ्लावरिंग ये फोटोप्रियोडिक इफेक्ट का पता होगा तो हम उसको स्टॉप कर सकते हैं उस प्लांट को वेजिटेटिव ग्रोथ को प्रमोट कर सकते हैं और जो रिप्र, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ है उसको कम कर सकते हैं जिसकी वजह से जो हमें वेजिटेटिव ग्रोथ है वहाँ पे हाइयर रिल्ड मिलेगी ए प्लांट कैन बी मेड टू फ्लावर थ्रू आउट द ईयर अंडर ग्रीन हाउस कंडीशन अगर हमें ये पता है कि ये प्लांट किस कंडीशन में फ्लावरिंग करेगा तो हम थ्रू आउट द ईयर भी उसको फ्लावरिंग कर सकते हैं टू प्रोवाइड द कंडीशन अकॉर्डिंग टू दैट प्लांट इन ए ग्रीन हाउस कंडीशन दिस इज यूज बायर्शियल जो कमर्शियल ग्रोवर्स होते हैं फ्लावरिंग के जिनको हर टाइम फ्लावर्स को वो जैसे किसेंथीम है शोडे प्लांट है बट इट इज अवेलेबल ऑल अराउंड द ईयर तो ये सब किसकी वजह से होते हैं ये जो कमर्शियल ग्रोवर्स हैं ये अपनी जो कंडीशन है उनको मेनटेन करते हैं द फिनोमिना हेल्प द प्लांट ब्रीडर इन इफेक्टिंग क्रॉस ब्रीडिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट एक्सपेरमेंट आर नॉर्मली फ्लावर इन डिफरेंट सीजन जो डिफरेंट सीजन की जो क्रॉप्स उनके अंदर अगर ब्रीडर्स क्रॉस ब्रीडिंग करना चाहते हैं तो वो भी जो कंट्रोल्ड कंडीशन है ग्रीन हाउस में वहां पर इनको ग्रो करके उन कंट्रोल कंडीशन में ग्रो करके फ्लावरिंग इंड्यूस कर सकते हैं और उसके अंदर डिफरेंट सीजन में जो फ्लावरिंग हो रही है उनको सेम टाइम पे करके उनके अंदर क्रॉस ब्रीडिंग करवा सकते हैं फोटोप्रियोडिक रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट इज अंडर कंट्रोल ऑफ जीन जीन मैनिपुलेशन ऑफ कैन इनेबल प्लांट टू फ्लावर इन डिफरेंट सीजन क्योंकि किससे हो रहे हैं ये सारे होमियोटिक जीन्स और जो फ्लावरिंग जीन्स है उन्हीं के थ्रू हो रहे हैं तो अगर हम जीन्स को कंट्रोल करते हैं या जीन के अंदर एडिटिंग या डिलीशन या इंसर्शन uh, करते हैं मीन्स जीन एडिटिंग के थ्रू इन प्लांट्स को हम डिफरेंट सीजन में फ्लावरिंग के लिए इंड्यूस कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल एन बी आर आई डेवलप वराइटी ऑफ क्रसेंथीम विच फ्लावर इन डिफरेंट मंथ्स ऑफ ईयर